अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आम को फलों का राजा कहते हैं, किस वास्ते? जब भी आम का नाम लिया जाए हर किसी के मुंह में पानी आता, ऐसा स्वादिष्ट फल है और इसी तरह ऐसा जो इलाज में भी बहुत काम आता है, ऐसे फ़ायदा मंद भी चीज़ है ये। तो इसके वास्ते तो इसके फ़ायदे मालूम नहीं सो भी इंसान इस तरह इस्तेमाल करता है इसे, अगर इसके फ़ायदे मालूम पड़ेंगे तो और ज़्यादा खाएंगा ये। तो इंशाल्लाह सबसे पहले डायबिटीज़ प्रॉब्लम के वास्ते बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी डायबिटीज़ प्रॉब्लम है आम खाने से डरते हैं। अगर आपको नेचुरल आम मिल गया तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आज आर्टिफिशियल ऐसा है कि इसमें इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन वगैरह डाल के इसको पकाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये शुगर के लिए प्रॉब्लम करता। तो नेचुरल आम आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट झाड़ से मिल गया तो आपको। और इसमें विटामिन की मात्रा भी भर भर के है, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, ये सब होने की वजह से ये आँखों की रोशनी के वास्ते, स्किन प्रॉब्लम के वास्ते बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल करिए और फ़ायदा उठाइए आप। इंशाल्लाह ऐसे जड़ी बूटियों के फ़ायदे बताने के लिए, आपका इलाज सही तरीके से करने के वास्ते इंशाल्लाह मैं प्रदुट्टूर, कड़प्पा प्रदुट्टूर को 4 तारीख को इंशाल्लाह, शाद नगर को 5 तारीख को, 6 तारीख बीदर, इसी तरह 7 तारीख नांदेड़ महाराष्ट्र को आ रहा हूँ, और इसी तरह इंशाल्लाह 9 तारीख को आधुनी कर्नूल, और इसी तरह